यहाँ पे जब आप घर से कुछ लेने जाते हैं तो अपना साथ बैग लाजमी लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्टोर्स पे बैग ये नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। और जो बैग्स भी होते हैं वो रिसाइकलेबल होते हैं। ये सामने बिल्कुल मेरे घर के पास रेड सेंट्रम का एरिया है, और ये हेम शॉप एक बड़ा सा स्टोर है, कुछ यहाँ से सामान लूँगा। ये एक बेसिकली एक प्लाज़ा है जिसमें बहुत सारी शॉप्स हैं, और जो सबसे बड़ी शॉप है वो हेम शॉप है। ये एक शॉप है यहाँ से अरबिक और पाकिस्तानी सामान मिल जाता है, लेकिन यहाँ मैं बाद में आऊँगा वापसी पे। और ये यहाँ का एक मेडिकल स्टोर है जहाँ से आपको एंटीबायोटिक तो आसानी से नहीं मिलेगी डॉक्टर की हदायत के बग़ैर, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। पहले तो एक ये ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पे फ्रूट्स का सेक्शन है। यार बनाना यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, तकरीबन 29 ग्रोना का, जो कि पाकिस्तानी बन जाते हैं 700 रुपये किलो केले। और सबसे पहले कुछ पोटैटोज लेने हैं, ये 18 ग्रोना पर केजी। अब देखते हैं कि इनका वेट कितना हुआ है इन पोटैटोज का। तो ये तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है, और ये मैं पोटैटोज में जाके इसकी ये वाले पोटैटोज हैं। अभी ये स्टिकर निकल आया, अब ये मुझे काउंटर पे दोबारा इसको नहीं करना पड़ेगा। ये ब्रेड्स वाला सेक्शन है, तो ब्रेड्स तकरीबन 25 की यानी 600 रुपये पाकिस्तानी, और मुख्तलिफ प्राइजेज़ हैं, 25-35 तक की अच्छी ब्रेड मिल जाती है। ब्रेड्स है अभी हैं वो, इसलिए मैं नहीं ले रहा। और ये बीन्स वाला सेक्शन है, और यहाँ पे जो मेरी फेवरेट चीज़ है, जो कि मैं बहुत ही शौक से नाश्ते में अमूमन खाता हूँ, वो ये बीन्स हैं, और जो कि पहले ये 7 के थे और अभी ये 11.5 के हो गए, महंगाई हो रही है अभी। और यहाँ पे 1.5 लीटर से ज़्यादा पैकिंग में दूध आता नहीं, ये 3% फैट, सबसे ज़्यादा फैट वाला दूध है। और ये 22 ग्राउंड्स का, और लो फैट मिल्क्स भी हैं यहाँ पे, डिफरेंट किस्म के मिल्क वगैरह। और ये जूसेस का सेक्शन है। खैर, मैंने जो चीज़ लेनी थी ले ली, तो अब चलते हैं आगे। ये चिकन है, और ये हलाल चिकन है यहाँ पे, जो कि आसानी से मिल जाता है, तकरीबन 60 क्रोना का 2 kg, लेकिन बोनलेस जो है वो ज़रा महंगा होता है। तो अभी चिकन भी नहीं ले रहा मैं, क्योंकि चिकन आई स्टिल हैव इन माय फ्रिज। तो बाकी ये पेप्सी कि 1.5 लीटर की 20 ग्रोना यानी कि 400। फिजी ड्रिंक्स वगैरह थोड़ी एक्सपेंसिव हैं यहाँ पे, चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। और ये स्वीट कॉर्न्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये 14 ग्रोन के सबसे मुनासिब हैं यहाँ पे, बाकी इससे एक्सपेंसिव हैं। और ये भी पहले 11 के थे, अब ये भी थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं। और भी बहुत सी कंपनियों के स्वीट कॉर्न्स हैं, बट आई एम हैप्पी विद दिस। ये मुख्तलिफ जैम हैं, जैम ख़त्म होने वाला, मैं गुजरा तो मैंने कहा जैम भी ले लूं। तो ये एलडोरेडो कंपनी जो है, ये काफ़ी इसकी मुनासिब प्राइजेज़ होती हैं और प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं इसकी। तो ये 20 ग्रोना का ये जैम है, और काफ़ी अच्छा जैम है ये। वैसे तो काफ़ी सारे जैम्स हैं, मुख्तलिफ प्राइजेज़ हैं, 40 क्रोना, 35 क्रोना तक, लेकिन आई एम हैप्पी विद दैट जैम एज़ वेल। तो जब आप
प्रदेश में होते हैं और आपको खुद ही सब कुछ करना होता है, तो आपकी कोशिश होती है कि जो फूड जल्द अज जल्द पक जाए आप उसी को प्रेफर करते हैं। तो जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, नूडल्स जो हैं वो एक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तो नूडल्स कुछ लेनी है, उनकी भी चलें वो भी ले लेते हैं, ख़त्म हुई हुई हैं। ये नूडल्स के सेक्शन में मैं आया हूँ, काफ़ी अच्छी नूडल्स हैं ये, और 27 kronas यानी कि 5 noodles तकरीबन बन जाते हैं कोई पाकिस्तानी 600 रुपया। तो ठीक है, अब वहाँ भी तो इतनी महंगाई हो गई, बहुत सी चीज़ें तो अब ऐसी हैं जो शायद पाकिस्तान में महंगी हो चुकी हैं और यहाँ पे वो फिर भी उनकी प्राइस मुनासिब होगी। दूध अभी जो मैंने लिया है तकरीबन वो पाकिस्तानी हिसाब से कोई 500 रुपये लीटर। सामान इतना ज़्यादा नहीं था तो मैं सेल्फ स्कैन पे ही आ गया। 128 28 kronas बना सारा। प्लास्टिक बैग भी नहीं है। वो एक और शॉप है जहाँ से राइस लूँगा, क्योंकि बासमती चावल यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और वहाँ पे मुनासिब हैं। जिस शॉप पे मैं जा रहा हूँ वो मैं बिल्कुल सामने ही है, अहम शॉप के इसी प्लाजे के अंदर ही ये वो शॉप है। और प्याज भी मैं यहीं से लूँगा। यहाँ पे 13 kronas पर केजी हैं। और आलू मैंने आगे ओहो महंगे ले लिए, आलू आगे मैंने 17 के हिसाब से लूँ। खैर एनीवे, अच्छा रोटी पकाना ज़रा मसला है, तो ये बनी बनाई रोटी यहाँ से हम ले लेते हैं, तकरीबन 20 kronas की है और अच्छी रोटियाँ हैं। और इनसे भी हलाल फूड वगैरह, हलाल मीट वगैरह मिल जाता है बड़ी आसानी से। तो जनाब चावल जिनकी मैं बात कर रहा था वो ये वाले हैं, ये वाले 135 kronas का 5 kg का पैकेट है और बासमती चावल हैं काफ़ी अच्छे। तो बाकी और भी चावल हैं यहाँ पे मुख्तलिफ वैरायटियों के, लेकिन ये सबसे मुनासिब हैं और क्वालिटी में भी अच्छे हैं। तो ये चावल हैं। और अक्सर आपने सुना होगा कि जी स्वीडन में जो है वो मसाले वगैरह नहीं मिलते, तो यहाँ भी मसाले आराम से मिल जाते हैं और मुनासिब प्राइस है। 15 kronas में आपको ये इंडियन मसाले भी और पाकिस्तानी वगैरह भी मिल जाते हैं। पाकिस्तानी ये शान मसाले वगैरह ये यहाँ लिन शॉपिंग सिटी में तो आराम से अवेलेबल हैं। और ये डिफरेंट चिक पीस भी काफ़ी मुनासिब है बॉयल्ड हुए हुए। ऑयल भी यहाँ पे काफ़ी मुनासिब है, तकरीबन 25 kronas का ऑलमोस्ट 1 liter, जो कि 600 रुपया पाकिस्तानी बनता है। तो अभी तो पाकिस्तान में ऑयल इससे भी ज़्यादा शायद महंगा है। कमेंट में बताइएगा ऑयल का क्या रेट है पाकिस्तान में। सिंपल सा नाश्ता, ये बीन्स अभी मैंने आपके सामने हेम शॉप से बाय किए थे, और ये स्वीट कॉर्न्स और ये 7 दो उबले हुए अंडे। तो ये जो है कि एक तो बड़ा सिंपली प्रिपेयर हो जाता है, बीन्स आपको बनाने नहीं पड़ते, वो बने बनाए होते हैं, और स्वीट कॉर्न हाँ अंडे उबालने पड़ते हैं। तो ये 5 मिनट में आपका नाश्ता तैयार हो जाता है और अच्छा है, मज़े का है, ऐसा नहीं है मज़े का नहीं होता, रेडी टू ईट। यहाँ पे जो ग्रॉसरी है वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगती जब आप यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे अर्न करते हैं, एज़ कम्पेयर टू आर कंट्रीज़ जहाँ पे आपको बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें भी बहुत महंगी लगने लगी हैं आजकल। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।